अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। और आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। मैं रेड सॉस पास्ता हमेशा इसको जो है ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। आप लोग भी अगर ट्राई करें, नॉर्मल ऑयल से ऑलिव ऑयल में इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा होता है। और मैं इसमें थोड़ी सी अनियन भी डालती हूँ, और चॉप गार्लिक तो डलता ही है, तो थोड़ी सी चॉप्ड अनियन का भी आप एक बार ट्राई करें तो उसका भी एक अलग टेस्ट आता है। और फिर इसको हल्का सा मैं सॉटे कर लेती हूँ। ऑलिव ऑयल भी एक बार आप ट्राई करें, हर कोई ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करता, पर एक बार आप ट्राई करें तो उससे आपका रेड सॉस पास्ता और भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनेगा। और फिर इसके बाद तो बिल्कुल नॉर्मली मेथड है जैसे सब यूज़ करते हैं, टमाटर डाल करके। फिर इसमें मैंने 1 कप थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड किया है, और इस यहाँ पे मैं हिंस का टमाटो प्यूरी आता है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है नॉर्मल टमाटो प्यूरी के मुकाबले। तो थोड़ा सा 1 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, इसका भी टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और कलर भी ये कलर भी बहुत अच्छा दे देता है आपके रेड सॉस को। फिर इसमें मैंने ऐड किया है, यहाँ पे लिबीस का केचप आता है, उसको मैंने थोड़ा सा 1 स्मॉल स्पून के 1 केचप यूज़ किया है। और इसके बाद चिली सॉस नॉर्मल जो कि होता है, पर ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ तो चिली सॉस मैं थोड़ा सा कम ही यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें तो और भी अच्छा लगेगा। और फिर बस ये सब मिलाने के बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो जो कि नॉर्मल होता है, सब यूज़ करते हैं मिक्स स्पाइसेस, ये थोड़ा सा 1 स्पून मैंने ऐड किया है। और फिर इसको सबको मिक्स करके आपको रख देना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको कुक कर देना है ताकि ये सब अच्छे से कुक हो जाए। और लास्ट में सॉल्ट, इसको कवर कर दिया मैंने और अच्छे से ये कुक हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही पास्ता वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत ही अच्छे से जल्दी से बन जाता है, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आती है इसको खाने में। इसको सबको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद लास्ट मेथड जो कि सबसे सीक्रेट होता है, इसको आप बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर से 5 मिनट्स एटलीस्ट आप बेक कर लें, और फिर आप इसके बाद इसका टेस्ट करें तो आपका पास्ता देखें बहुत ही डिफरेंट लगेगा नॉर्मल पास्ता बनाने से। फिर शाम को हम लोग थोड़ा निकल गए थे आउटसाइड, और एज़ यूजुअल थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी जो कि मैं हमेशा करती हूँ, तो वीकेंड में तो ये लेना ही होता है कि ये तो मस्ट है। तो फिर हम लोग इस बार आए हुए थे पंडा, तो पंडा में बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स पे ऑफ़र लगे हुए थे। ये देखें, हमें तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ही अच्छे ऑफ़र थे, फूड प्रोसेसर, जूसर, ये तो राइस कुकर, ये जूसर था, और ये वैक्यूम क्लीनर पे भी अच्छे ऑफ़र थे। ये क्लिकॉन कोई कंपनी है, ये तो मेरे ख्याल से कोई नई कंपनी है क्लिकॉन, तो उस पर ऑफ़र थे। ये बड़े वाले वैक्यूम क्लीनर्स हैं उस पर है। तो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छे हैं, ये मोलिनेक्स के पूरे फूड प्रोसेसर भी था, सब था, ये डाइनिंग के सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे इन्होंने सेटअप करके डिस्प्ले में लगाया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन का लुक था, मुझे तो लगा असली के मिट्टी के बर्तन है, पर ये सारे प्लास्टिक के थे, फाइबर्स के थे, पर बहुत ही अच्छे लग रहे थे और देखने में, अगर रखें तो कोई समझ नहीं पाएगा कि ये मिट्टी के बर्तन नहीं है। और यहाँ पे देखिए पूरा मजलिस का सेटअप बनाया हुआ था इन्होंने, क्योंकि वेकेशन टाइम चल रहा है तो बच्चों ने तो वैसे ही बैठ के इंजॉय करना शुरू कर दिया कि मजलिस का लुक ले लें। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती रहती है। फिर हम लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी थी ग्रोसरी, जो जो लेनी थी चीज़ें वो सारी स्टार्ट हो जाती हैं। और पंडा में हरी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, यहाँ की धनिया की पत्ती है, मुझे बहुत ही अच्छी स्मेल रहती है जो कि नॉर्मल और दूसरी सुपर मार्केट्स में नहीं मिलती है। और अभी तो ठंड है तो मूली बहुत अच्छी मिल रही है मार्केट में, 1 रियाल में 2 मूली, और बहुत ही अच्छी फ्रेश मूलियाँ आई हुई हैं लेने के लिए। फिर जल्दी से हम लोग ने जो भी एजुशन जो भी सामान थे फटाफट ले करके फिर हम लोग चले आए थे। और अफ़ान की तो आजकल आदत सी हो गई है कि उसको बस ट्रॉली पे क्लाइंब अप कर देना है और पापा ने उसको पुश करना है, पूरी वो इंजॉय करता है इसकी राइड को, काम की चीज़ें मिल जाती हैं। और आज का दिन हम लोग का ऐसे ही रहा,
एज यूजुअल जैसा नॉर्मल डे होता है इस बार का वीकेंड व्हाट और इससे ज़्यादा तो इस बार कुछ नहीं हुआ था जो मैं शेयर करती। अफान ने भाई मिक्स फ्रूट जूस लिया है तो उसको भी दिखाना है, डिस्प्ले करना है भाई कि उसने मिक्स फ्रूट जूस लिया। वो आता है तो उसको कुछ ना कुछ उसकी एक दो चीज़ें होती हैं जो कि उसको लेनी है और बिना कुछ लिए। बच्चों की वैसे आदत होती है जब बाहर निकलेंगे तो उनकी तो अपनी कोई चॉइस होनी है कि उनको क्या चाहिए। सब इधर है तो वो उल्टा ही घूमता है, हम लोग इधर हैं तो वो अपने अपने उसमें रहता है। फिर ये हुआ कि चलते हैं यहाँ से, बच्चों को थोड़ी आइसक्रीम ईट कर लेते हैं मैकडोनल्ड। हम लोगों ने सोचा चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे, बच्चों आइसक्रीम भी ईट कर लेंगे और जो इन्हें बर्गर वर्गर भी ईट करना होगा वो भी ईट कर लेते हैं। तो ये हम लोग के घर के पास ही मैकडोनल्ड है, बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये होता लास्ट में थोड़ा सा। अफान का तो ज़रूर है कि इधर रुक करके उसको आइसक्रीम खा करके ही घर जाना है। और बहुत ही अच्छा ये बनाया है, छोटा सा मैकडोनल्ड है पर बहुत ही अच्छा प्रॉपर वे में इन्होंने बनाया हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट भी है, सब कुछ है इसमें। उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको।